आज अपन रिव्यू करने वाले हैं ब्लडी डैडी, जो मूवी रिलीज़ हुई जियो सिनेमा पे फ्री में 2 घंटे 1 मिनट के। उसका हम बात करेंगे कि इस मूवी में हमें क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो यार इस मूवी की एडिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और यार शाहिद कपूर की क्या एक्टिंग है, मस्त एकदम। और बाकी जो भी एक्टर्स हैं, रोनित रॉय नाम है ना विलन का जो उन्होंने प्ले किया, उनकी भी एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और यार किसने नोटिस किया, वो जो बच्चा था वो द मैड टाइटन थैनोस की टी शर्ट पहने हुए था। मतलब एज अ मार्वल फैन मैंने सबसे पहले वही नोटिस किया था, तो किसने नोटिस किया। और यार विलेन की बात करी जाए तो जो रोनित रॉय ने एक्टर ने प्ले किया है तो यार बढ़िया था। मतलब मैंने उन एक्टर को, याद है बचपन में केडी पाठक नाम का एक सीरियल आता था और वो लॉयर का प्ले करते थे उसमें, तो तब से उन्हें देख रहे हैं, तभी से मैं उनकी बहुत फ़ैन हो गई थी। और अब देखा मूवी में उन्हें तो अच्छा लगा, अच्छी लगी उनकी एक्टिंग। तो देखो इस मूवी में 2 घंटे की है, तो पहले घंटे में तो समझ लो मूवी को, मतलब स्टोरी को बिल्डअप किया जाता है, थोड़ा हाइप बढ़ाई जाती है, स्टोरी बिल्डअप की जाती है। फिर वहीं सेकेंड पार्ट में अपन को कुछ एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। एक्टिंग की तो यार क्या ही बात की जब, वाह बिल्कुल नेचुरल। कोई सा भी कैरेक्टर ले लो, चाहे शाहिद कपूर को भी ले लो, उनकी भी एक्टिंग बहुत ज़्यादा नेचुरल थी। मतलब जो वो जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया उसमें दिखाया गया कि हाँ भाई बहुत दिमाग है और बहुत चालाकी से चलता है वो अपना जो भी उसने सोच रखा है। हाँ इस मूवी में गाली है भर भर के हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल तो हो गए तो हाँ देख सकते हैं। और हाँ जॉन विक से कौन कंपेयर करा था, देखो जॉन विक से कंपेयर मत करना, जॉन विक ने तो बार बहुत ऊपर सेट करके रखा, तो जॉन विक वाली उम्मीद मत लिए बैठना, जॉन विक से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, बट वो एंड में जब फाइटिंग का सीन चल रहा था और फिर अपन को उसमें बादशाह दिखे और उनका रैप बीच बीच में आ रहा था फाइटिंग के बीच में, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि मतलब फाइट चल रही है बीच में रैप भी सुनाई दे रहा है, तो जो फीलिंग होती है ना, इमोशंस होते हैं, वो बिखर से जाते हैं। और यार मुझे ना फेवरेट सबसे ज़्यादा गन कौन सी लगी, वो जो फ्लेम थ्रोअर थी ना बहुत ज़्यादा कूल लग रही थी देखने में, मुझे भी चाहिए वैसी गन। और यार मैं तारीफ़ करूँगी इस मूवी में जो भी हेयर ड्रेसर था, जिन्होंने भी मतलब सबका लुक दिया, बहुत अच्छा लुक लगा। और शाहिद कपूर का तो स्पेशल जो उनका हेयर स्टाइल था और लुक था सब बढ़िया था। ये जो मूवी है एक्शन जॉनरा में रखी जा रही है, तो मैं बता दूँ इस मूवी में दो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिले जो कि अच्छे थे। बाकी जो मूवी है बहुत ग्राउंडेड लेवल पे है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हीरो को 4-5 अगर थप्पड़ पड़ घूंसे पड़ रहे हैं तो वो गिरता है ज़मीन में, 1-2 सेकंड लेता है भाई उठने में, जॉन विक की तरह ही नहीं कि बस थोड़ा तड़ता बंदूक चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, मूवी बहुत ग्राउंडेड लेवल पे सेट है। हम इसे रेट करेंगे 7.5 out of 10। आप कमेंट में ज़रूर रेट करिए कि आप इस मूवी को कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10। चलो यार बहुत पसीना हो गया गर्मी में बैठे बैठे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस एंड पीस आउट।